हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सब लोगों का लर्न विद डॉक्टर कविता यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी जोन के अंडर आता है, ये हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले हमें ये जान लेना होगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होता क्या है, इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, तो जानते हैं उसके बारे में। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एक्चुअली लैंड एरिया होता है जिसमें कि सिमिलर क्रेटेस्टिक का लैंड एरिया होता है, उसे हम एक जोन बोल देते हैं। और ये कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि हम जोन डिसाइड करते हैं, तो वो होता है रेनफॉल, हमारा वर्षा कितनी हो रही है, टेम्परेचर रेजिम, वहाँ का मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, टोपोग्राफी, उसकी भौगोलिक स्थिति, भूभाग कैसा है, सॉयल क्रेटेस्टिक्स, उसकी सॉयल के क्या गुण हैं, एंड क्रॉपिंग पैटर्न और इरिगेशन अवेलेबिलिटी, सिंचाई की उपलब्धता क्या है। तो इन सब पैरामीटर्स के आधार पर हम एक सिमिलर एरिया को एक जोन से डिनोट कर देते हैं, जिसे कि हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन कहते हैं। कुछ क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं, कुछ एग्रोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी, ये हो गया क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, एंड सॉयल क्रेटेस्टिक, क्रॉपिंग पैटर्न एंड इरिगेशन अवेलेबिलिटी, ये एग्रोनॉमिक पैरामीटर्स हम बोल सकते हैं। तो उसके आधार पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, और इन आधार पर जब हम राजस्थान को डिवाइड करते हैं तो टोटल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। उनके क्या क्या नाम हैं और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सी जोन के अंडर आता है, ये हम जान लेते हैं। तो राजस्थान में कुल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, जिन्हें कि विभिन्न नामों से जाना जाता है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, एंड जोन 5। तो इस तरीके से कुल 10 जोन हैं, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन राजस्थान में हैं। जोन फर्स्ट ए है एरिड वेस्टर्न प्लेन। जोन फर्स्ट ए एरिड वेस्टर्न प्लेन, यानी कि पश्चिमी शुष्क मैदान। इस फर्स्ट ए जोन में बाड़मेर जिला और जोधपुर का कुछ भाग आता है। सेकंड है जोन फर्स्ट बी, ये है इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, इसमें राजस्थान के दो जिले आते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट है जोन फर्स्ट सी, हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड वेस्टर्न प्लेन। हाइपर एरिड पार्शियली इरिगेटेड वेस्टर्न प्लेन, यानी कि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, इसमें बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का कुछ भाग आता है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। नेक्स्ट है जोन सेकंड ए, सेकंड ए का नाम है ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, तो आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, इसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू का कुछ हिस्सा और नागौर का कुछ हिस्सा आता है। नेक्स्ट है जोन सेकंड बी, ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ लूनी बेसिन, जैसा कि नाम से ही है लूनी बेसिन का पार्ट आएगा इसमें, लूनी बेसिन का मैदान, ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ लूनी बेसिन, लूनी बेसिन का मैदान, इसमें जालौर, पाली, सिरोही और जोधपुर का कुछ भाग आता है। नेक्स्ट है थर्ड ए, सेमी एरिड एस्टर्न प्लेन, सेमी एरिड एस्टर्न प्लेन, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, इसमें जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक आएगा। जयपुर राजधानी इसी में आएगी, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। नेक्स्ट है थर्ड बी, फ्लड प्रोन एस्टर्न प्लेन, फ्लड प्रोन एस्टर्न प्लेन, थर्ड बी है बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आएगा। और नेक्स्ट है
फोर्थ ए सब ह्यूमिड साउथ एस्टर्न प्लेन, उप आद्र दक्षिणी मैदान, उप आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, एक्चुअली उप आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, इसमें आएगा भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़। नेक्स्ट जोन है फोर्थ बी ह्यूमिड साउदर्न प्लेन, नम दक्षिणी मैदान, इसमें डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के भाग आएंगे। और लास्ट बचा है जोन फाइव, जोन फाइव में आएगा, जोन फाइव का नाम है ह्यूमिड साउथ एस्टर्न प्लेन, ह्यूमिड साउथ एस्टर्न प्लेन यानी कि आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, इसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा आएगा। तो ये हमारे 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं। कम से कम आपको नाम और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ये याद होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ यही इंक्लूड किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, वीडियो अगर अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।